नमस्कार दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत ही स्ट्रांगली फील करता हूँ। क्या आपको मालूम है हमारे कंट्री में एक केस को डिसाइड होने में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, निचले कोर्ट्स में कितना टाइम लगता है? एवरेज टाइम 6 साल तक लग सकते हैं। जी हाँ, 6 साल। तो आप समझिए, अगर आपने आज की डेट में 2021 में एक केस फाइल किया है निचली अदालत में, निचली कोर्ट में, तो वो 2026 तक या 2027 तक ही जाकर डिसाइड होगा ऑन एन एवरेज। इससे कम भी हो सकता है, अगर इससे कम हो तो यू आर ब्लेस्ड, अगर इससे ज़्यादा हो तो 6 साल के 7 साल, 8 साल, 9 साल भी लग सकते हैं, और किसी किसी केस में उससे ज़्यादा भी टाइम लगता है। और ये हुआ निचली कोर्ट की अदालत, निचली कोर्ट में। अगर निचली कोर्ट से आप अपील करते हैं, मान लीजिए आप केस हार गए, या जो दूसरी साइड है आप जीत गए, तो दूसरी साइड ने अगर केस को अपील किया तो हाई कोर्ट में और 3 साल, 3 से 5 साल लगते हैं, और उसके बाद अगर फिर अपील करना चाहें सुप्रीम कोर्ट में तो ऑन एन एवरेज 3 साल और लगते हैं। तो आप समझ लीजिए 6 + 3 + 3 अराउंड 9 और 3 12 साल, अबाउट 12 ईयर्स एक केस को डिसाइड होने में लगते हैं। 12 साल किसी की लाइफ में जस्ट एक केस को लड़ने के लिए। दोस्तों, लॉ में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो आपको वापस से उस पोजीशन में लाया जाए जिसमें कि आपको नुकसान जब नहीं हुआ था। पर अगर इस चीज की भरपाई करने के लिए या आपको उस पोजीशन में वापस लाने के लिए इतना टाइम लग जा रहा है जिसमें ना केवल आपकी जिंदगी बल्कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, सब कुछ लग रहा है, उसके बाद आप अगर जीतते हैं तो वेल एंड गुड, क्या वो इनफ है? और अगर आप नहीं जीतते, अगर आप हार जाते हैं इतने सालों तक केस को लड़ने के बावजूद, तो वॉज द फाइट इवन वर्थ इट? इसलिए कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दोस्तों, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जस्टिस इज ऑन सेल, जिसका मतलब ये है कि जो पावरफुल और जो बहुत ही स्किलफुल लॉयर्स अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को जस्टिस मिलता है। एक बर्निंग एग्जाम्पल है अर्नब गोस्वामी का केस। अर्नब गोस्वामी को कुछ ही दिनों में बेल मिल गई थी क्योंकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन था एक बहुत ही स्किलफुल लॉयर हरीश सालवे ने रिप्रेजेंट किया था। पर क्या जो जिनका केस अर्नब गोस्वामी के केस से भी अच्छा है या जो अर्नब गोस्वामी से भी ज़्यादा डिजर्विंग लोग हैं बेल के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन सबको बेल मिली हुई है? जी नहीं। तो ऐसे बड़े सारे मैटर्स हैं जो कि लेसर डिजर्विंग है बट दे गेट बेटर लीगल रिप्रेजेंटेशन, जिस वजह से उनका केस जल्दी डिसाइड हो जाता है। और ऐसे बहुत से डिजर्विंग केसेस हैं जिनको उस लेवल की लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, जिस वजह से लोग अपने जो लीगल राइट्स हैं उनको अवेल नहीं कर पाते या उनके केसेस सालों तक कोर्ट में फंसे रहते हैं। दोस्तों, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो मेन कॉम्पोनेंट है इन अ कंट्री स्पेशली लाइक इंडिया, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में मेन कॉम्पोनेंट है जज का, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स तो अपने केस को, दोनों साइड के जो लॉयर्स होते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू विन देयर केसेस। एक लॉयर अपनी साइड को खींचेगा, दूसरा लॉयर अपनी साइड को खींचेगा केस को, बट इट इज अल्टीमेटली द जज इन द मिडल हु डिसाइड्स द केस। एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर की जो लिटिगेंट्स हैं, जो प्राइवेट पार्टीज हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो लॉ के बारे उतने अवेयर नहीं है या दे आर नॉट दैट रिसोर्सफुल, या वो ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जहां पर की लीगल अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है। सो देयरफॉर टू अप्रिशिएट द मैटर बेटर, इट इज अल्टीमेटली इन इंडिया, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इट इज द जज जिस पर की डिलीवरी सिस्टम कैसी होगी जस्टिस की, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो दोस्तों, हमारे कंट्री का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी है कि हमारे पास बहुत सारे जजेस नहीं हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जजेस की बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जजेस की बहुत ज़्यादा, और वैकेंसीज के अलावा भी ना केवल वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट भी है। जितनी वैकेंसीज अगर वो पूरी भी हो जाए तो इवन देन द नंबर ऑफ जजेस इज नॉट सफिशेंट टू केटर टू द प्रॉब्लम्स विच फेस द इंडियन पीपल। इफ़ यू विजिट कोर्ट्स, आपको ये देखकर पता लगेगा कि कितने मैटर्स हैं जो पेंडिंग हैं, सालों साल से पेंडिंग हैं, बहुत बेसिक इश्यूज पे पेंडिंग हैं, जिनको कि अगर कोई अपना माइंड ठीक से अप्लाई करे तो उस मैटर को बहुत जल्दी डिसाइड किया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट इवन विद द जजेस,
देखिए क्या है कि हमारे कंट्री में क्योंकि जजेस की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, सो देयरफॉर एक जज कम से कम 4 से 5 जजेस का काम करता है। हमारे कंट्री की जो जज टू पॉपुलेशन रेशियो है वो है 18 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन। 10 लाख लोगों के लिए बस 18 जजेस हैं। एक मिनट इस रेशियो को सोचिए, कितनी गंभीर सिचुएशन है कि 10 लाख लोग जो हैं उनके ऊपर बस 18 जजेस हैं जो कि उनके मैटर्स को डिसाइड करने की क्षमता रखते हैं। 1985 का जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट था उसके तहत ये कहा गया था कि एक एप्रोप्रिएट रेशियो जो है वो है कि 10 लाख लोगों के लिए कम से कम 50 जजेस होने चाहिए। अब 2021 में ये रेशियो डेफिनेटली बढ़ गया होगा क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल के साथ, लोगों की प्रॉब्लम्स, जो सोसाइटी जो इवॉल्व हुई है उसके हिसाब से जो टेक्निकलिटीज है लॉ की वो भी बड़ी है। सो देयरफॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ जजेस इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में ये जो जजेस की जो रिक्वायरमेंट है किसी भी टाइम से ज्यादा है, और इन जजेस की जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करना चाहिए ताकि लोगों की जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाए। और दोस्तों, जजेस का काम कोई नॉन सीरियस वर्क तो है नहीं, क्योंकि उसके एक एक फैसले पे, जजेस के एक एक फैसले नहीं, एक एक वर्ड पर लोगों की जिंदगी निर्भर होती है। सो देयरफॉर इट इज ओनली राइट दैट अ जज टेक्स टाइम टू डिसाइड हिज केसेस। बट जो प्रेसिंग नेसेसिटी वो ये है, वो ये नहीं है कि जजेस केस को जल्दी डिसाइड करे, वो ये है कि सोसाइटी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पर्याप्त मात्रा में सरकारें जो है जजेस को अपॉइंट भी करें। तो दोस्तों, सोल्यूशन क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, जस्ट अपॉइंट मोर जजेस। हमारे कंट्री में ना तो लीगल टैलेंट की कमी है, इतने सारे लॉ स्कूल्स हैं और ये लॉ स्कूल्स के जो कोर्सेज हैं ये बार काउंसिल ही डिसाइड करती है। तो जो लॉ स्कूल से कैंडिडेट्स पास आउट हो रहे हैं, जो लॉ स्कूल से स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, आर दे नॉट गुड इनफ, आर दे नॉट फिट इनफ टू बी जजेस? ऑफ कोर्स नॉट। दे आर वेरी वेल रेड, दे आर वेरी स्किल, आई मीन अगर उनको सिखाया जाए, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो दे विल बी वेल स्किल्ड इन हैंडलिंग द जॉब ऑफ अ जज। हमारे कंट्री में ना तो पॉपुलेशन की कमी है और उस पॉपुलेशन में ना तो टैलेंट की कमी है। सो व्हाई नॉट पुट इट टू यूज़? अगर हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, अगर हर कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, हर कोई कंपनीज में नौकरी नहीं करना चाहता, तो देर आर इनफ नंबर ऑफ पीपल जो कि जुडिशरी में जाना चाहते हैं। हर साल जो जजेस की वैकेंसीज निकलती है सबॉर्डिनेट जुडिशरी में या हायर जुडिशरी में, उसमें से कई लोग इसीलिए नहीं लिए जाते क्योंकि उतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं होती है। दैट डज नॉट मीन कि दे आर नॉट टैलेंटेड इनफ। सो द सोल्यूशन इज सिंपल कि आप वैकेंसीज को भरें, नंबर वन, और सेकेंडली जितनी वैकेंसीज है उनसे ज्यादा वैकेंसीज को बढ़ाएं क्योंकि देर इज एम्पल टैलेंट पूल। टैलेंट पूल जो है, जो टैलेंट लॉ स्टूडेंट्स में है, दैट इज सफिशियंट टू केटर टू द नीड ऑफ द सोसाइटी जो कि है इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस टू डिसाइड केसेस ऑफ पीपल। पर दोस्तों, अगर ये सोल्यूशन इतना सिंपल है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? प्रॉब्ली इसीलिए क्योंकि सरकारों का उस पर ध्यान ही नहीं जाता। लॉ कमीशंस बैठी हैं, बहुत सारे इस पे डिस्कशंस हुई हैं, इस पे रिकमेंडेशंस भी आई हैं, पर किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं की। वो प्रॉबली इसीलिए क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा संविधान है उसमें हम ही सुप्रीम हैं, जो भारत के लोग हैं, जो भारत की पॉपुलेशन है, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद द वर्ड वी द पीपल। जब तक वी द पीपल इस चीज को लेके सेंसिटिव नहीं होंगे, इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक सरकारें भी रियलाइज नहीं करेंगी। हमारे जो इलेक्शन के जो मुद्दे होते हैं वो लोगों की लाइफ को आसान जो करती हैं उन चीज़ों पे नहीं, बल्कि धर्म, जाति और कास्ट और ये सारी चीज़ों पर होती है। इसीलिए कहते हैं हमारे जो कंट्री में, वी डोंट कास्ट आर वोट बट वी वोट आर कास्ट, यानी कि हम अपने वोट को अपनी जाति देख करके या अपने धर्म को देख करके देते हैं। जब तक ये चीज़ नहीं बदलेगी तब तक ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल इश्यूज हैं या जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया की, वो फुलफिल नहीं होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोसें कि कोर्ट्स में फैसले होने में बहुत टाइम लगता है या फिर तारीख पे तारीख पड़ती रहती है और फैसला नहीं होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसका जो सल्यूशन है वो सरकारों के पास है। सरकारें ही जजेस की वैकेंसीज को इंक्रीज कर सकती है, ये सारी पावर संविधान सरकारों को देता है।
और सरकारें चलाता कौन है? सरकारें आप और मेरे जैसे लोग चलाते हैं। जब तक हम अपनी सरकारों से डिमांड नहीं करेंगे, तब तक ये जो सिचुएशन है तारीख पे तारीख वाली, ये जमी रहेगी, ये चलती रहेगी। तो विद दैट फ्रेंड्स, वी कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। होपफुली आपको ये जो हमने डिस्कशन की वो इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी। अगर आपको इस बारे कुछ भी कहना हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कोई भी सुझाव हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पर जो भी हमारी लीगल डिस्कशंस होती हैं, लीगल अपडेट्स होते हैं, हम उस पर उसे अपडेट करते रहते हैं, उस पर शेयर करते रहते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो लॉ है उसे लॉ की बुक्स में बंद नहीं रहना चाहिए। लॉ इज़ समथिंग विच इज़ लिविंग। जब तक कि वो आप और हम जैसे लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे, जब तक वो आपके और मेरी लाइफ में लॉ नहीं आती, तब तक लॉ का कोई मतलब नहीं है। लॉ इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड। लॉ को बस लॉ बुक्स में बंद होकर रहना नहीं चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम ये लीगल डिस्कशंस को शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई सुझाव रहे, यू आर मोस्ट वेलकम। और उसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को, हमारे इंस्टाग्राम को और हमारे ट्विटर पेज को फॉलो करें। और जो भी ये इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है किसी को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। सो विद दैट फ्रेंड्स, आई विल टेक योर लीव। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।